हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि विंटर में कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स आते हैं जो कि अप्रैल मई तक खिलते रहते हैं। तो उसी कैटेगरी में एक आता है हॉलीहॉक, जो कि विंटर का प्लांट है और बहुत अच्छे से उसकी फ्लावरिंग होती है और गर्मियों तक अप्रैल तक उसकी फ्लावरिंग बनी रहती है। तो मैं उसी के बारे में आज केयर टिप्स देना चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे कितने अच्छे प्लांट हैवी हैं और ग्रोथ भी उनकी बहुत अच्छी चल रही है, और मैंने उसे बेबी प्लांट से ग्रो किया है। नर्सरी से मैं बिल्कुल बेबी प्लांट लाई थी, तो उससे मैंने ग्रो किया है और मैं 6 प्लांट लाई थी, 6 के 6 सक्सेस हो गए, बहुत अच्छी से ग्रोथ उनकी हुई है। तो आइए मैं उसी के बारे में दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से कहाँ लगाया हुआ है। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, ये है देखिए मेरा हॉलीहॉक का प्लांट, जो कि बहुत ही स्वस्थ हुआ है प्लांट और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चली है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है और इसकी फ्लावर देखिए कितने अच्छे खूबसूरत हुए हैं। और ये देख रहे हैं आप सब कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और ये प्लांट्स भी बहुत कम से कम 7-8 फीट तक जाता है ये प्लांट। तो ये आप देख भी रहे हैं इसकी हाइट। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं, तो अगर गमले में लगाते हैं छोटे पॉट में, तो कम से कम 8 से 10 इंच का आप पॉट ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए पूरा ग्रोथ चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट जो है बहुत ऊंची होती है। तो इसलिए इस प्लांट को बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी और खाद की ज़रूरत होती है, और इसमें अच्छी मिट्टी पाएगा तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैंने इसे बड़े कंटेनर में, जो भी मैंने प्लांट्स लगाए थे, तो मैंने ये प्लांट जो है मैं इसमें लगाई हूँ। ये मेरा बड़ा सा कंटेनर है, तो इसमें मैं आंवले का प्लांट लगाई थी, तो उसी में मैंने नीचे जगह था तो मैंने इसी में 6 के 6 प्लांट को मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, आप सब देख रहे हैं इसके फ्लावर की ग्रोथ आप सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसकी केयर टिप्स के बारे में बात कर ली जाए, तो अगर आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं, तो जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो इसकी मिट्टी में 50% जो है सॉइल ले लीजिए, कोई भी गार्डन सॉइल, और कम से कम 40% इसमें खाद की मात्रा रखें, जैसे सड़ी हुई काउ डंक ले लिए या फिर वर्मी कंपोस्ट लेते हैं आप, और थोड़ी सी चाहे तो आप रेत की मात्रा मिला सकते हैं, क्योंकि जो गमले का मिट्टी होता है वो ऐसे तैयार करें जैसे कि उसमें से पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए नमी को पहुंचाते हुए। तो इस तरीके की वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसको मतलब बहुत ज़्यादा देख रेख में, अगर आप पहले बार में अच्छी मिट्टी तैयार करके इस प्लांट को लगा देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है ये प्लांट। तो इस तरीके की इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, कम से कम 2 से 1.5 महीने में ये प्लांट जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है, इसमें बर्ड्स आने चालू हो जाते हैं। तो मेरे प्लांट्स में जो है ये फ्लावरिंग जो है, बर्ड्स तो जनवरी से आने लगे थे और ये फरवरी में बिल्कुल आते आते आप सब देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हुई है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस ये जो कलर होता है, इसमें कई कलर के प्लांट्स आते हैं, इसमें जो फ्लावर होते हैं कई वैरायटी के होते हैं। तो इसमें मेरे देख रहे हैं आप थोड़े कोई डार्क शेड में है, ये आप देख रहे हैं डार्क शेड है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा लाइट है, ये बिल्कुल पिंक कलर का है। तो इसमें कई कलर के फ्लावर भी आते हैं, वाइट आते हैं। तो ये मैंने बेबी प्लांट लिया हुआ था, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन से कलर होंगे, तो इसमें एक कलर तो बिल्कुल ये पिंक वाला जो है बिल्कुल अलग आया है, और ये तीनों जो है थोड़े लाइट और डार्क शेड में ये एक जैसे ही हैं, और इसकी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी नमी की बात की जाए, तो नमी रखने के लिए हमेशा इसमें पानी देते रहें आप, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये कम से कम अप्रैल मई तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, तो इसके लिए आपको दोनों टाइम पानी देना ही होगा, क्योंकि और इसको धूप की बात की जाए, तो धूप की ज़रूरत होती है, जो दिन भर की अगर धूप मिले तो इसको ये बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रोथ करता है।
तो ये ध्यान रखें कि ये धूप में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात, जब भी आप बेबी प्लांट लगाते हैं तो इस प्लांट को जब इसकी ग्रोथ हो जाती है और बर्ड्स आने लगते हैं तो आपको एक बार फिर से उस टाइम पे आप इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और इसे कंपोस्ट, कोई भी काउडंग या फिर वर्मी कंपोस्ट, आप इसके जैसे जड़ों के आसपास थोड़ी सी मिट्टी बना करके आप डाल सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से चल जाएगी। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी बहुत देख रेख की ज़रूरत नहीं। अगर एक बार अच्छे से लग गया तो कई इसमें वैरायटी ऐसी आती है जो आपके गार्डन में जो है पूरे साल तक भी रहता है। तो अभी तो ये मुझे नहीं पता है कि ये पूरे साल रहेगा या नहीं। और फ्रेंड्स अगर इसके बीज की बात की जाए तो बीज जो है इसमें सीड्स होते हैं इसके फ्लावर में, तो इस ये सूखने के बाद इसमें सीड्स होने लगते हैं। तो या आप कलेक्ट करके या फिर इसमें सीड बन के अपने आप ही नीचे झड़ जाता है इसकी ज़मीन में, तो ये अपने आप अगले सीजन के लिए ये खुद ब खुद प्लांट्स उसमें से बेबी प्लांट्स आपके पॉट से निकलने लगते हैं। और अगर आप सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप कलेक्ट करके और सीड आप अगले सीजन के लिए उसके ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। और इसके सीड को लगाने का अगर टाइम है, और फ्रेंड्स अगर आप इसे सीड से सीड बचा करके और अगले सीजन में तैयार करना चाहते हैं तो इसके सीड को जर्मिनेट करने का टाइम जो है अगस्त से सितंबर का टाइम होता है, उस टाइम अगर आप जर्मिनेट कर देते हैं तो आपके प्लांट जल्दी निकल आते हैं। तो जब प्लांट जल्दी तैयार हो जाते हैं तो आप पौधे जल्दी से मिल जाएंगे, तो आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो आपके जो अगर प्लांट तैयार हो जाते हैं तो उसमें जो है फ्लावरिंग बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए आप पहले से ही इसमें लगा करके और फ्लावर पाने की तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप, मेरे हिसाब से तो आपको विंटर के समय में इसके फ्लावर को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे गार्डन की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने गार्डन में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत फूलों को पाएंगे। और फ्रेंड्स ये अप्रैल मई तक तो कम से कम ये फ्लावर होते ही रहेंगे, क्योंकि आप सब देख रहे हैं ये देखिए पिंक कलर का फ्लावर जो है मेरा कितना खूबसूरत है, तो ये आप सब देख रहे हैं। और इसके बर्ड्स जो हैं अभी भी निकलते रह रहे हैं। फ्रेंड्स जब भी आपके प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं तो इसकी पत्तियों पर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पत्तियां जो हैं कीड़े खाने लगते हैं, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लांट्स के लिए, तो फ्रेंड्स इसकी पत्तियों में जो है कीड़े लगने चालू हो जाते हैं, तो आप कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए और पत्तियों पे ज़रूर केयर कर लीजिए कि इसकी पत्तियों में कहीं इंसेक्ट्स तो अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लग गया तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। और पौधे जब भी लगाते हैं आप तो पौधों में थोड़ी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये लंबा जाता है और ये फ्लावर जो हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं, तो इनमें दूरी होनी चाहिए, वरना सारे प्लांट जो हैं एक में चिपक जाएंगे तो आपको फ्लावर बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे और छोटे होंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए अगर किसी कंटेनर में लगाते हैं, और अगर एक पॉट में एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसकी देख रेख और केयर की जा सकती है बड़े आसानी से। और फ्रेंड्स जब इसके फ्लावर आने लगते हैं तो इसकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, ये आप सब देख रहे हैं, अभी तो ये बहुत छोटा है, पत्तियां इसकी खुद ब खुद सूख के गिरने लगती हैं जो बड़ी पत्तियां आती हैं, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, सारे फ्लावर ही दिखने लगते हैं फिर आपके प्लांट में। तो ये आप सब देख रहे हैं कितनी हाइट तक गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि मैं जहाँ तक हो सकता है ऐसी जानकारी देती हूँ कि आप इजी वे में अपने प्लांट्स को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बहुत ज़्यादा झंझट के ग्रोथ कर सकते हैं अपने घर में और आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ थोड़ी सी मिट्टी की केयर कर लेती हूँ शुरुआत में ही, और उसके बाद समय समय पर थोड़ी बहुत जो भी फर्टिलाइज़र ज़रूरतें होती हैं बीच बीच में वो देती रहती हूँ, और आप सबको प्लांट दिखता ही है सामने। और जो भी आपको और भी कुछ जानकारियाँ अगर चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, तो मैं जहाँ तक हो सकता है कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे दूँ, या फिर उस पर अगर वीडियो बनाने लायक होता है तो मैं आप सबको वीडियो भी बना के दूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।